शोक मारा रे। मॉर्निंग का टाइम और अभी टाइम हो रहा है 7:05 का। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे है यार। हेलो आरव, कैसा हो रहा है? ठंडा। और ये खा रहा है अपना ब्रेड पकौड़ा जो उसने अंदर नहीं खाया है, लेट हो रही थी। और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा पड़ रहा है। देखिए इतना ज़्यादा कोहरा है कि आगे दिख भी नहीं रहा। देखिए रास्ते में कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, एकदम ठंडा। यहाँ पे आरव, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे रुद्र। रुद्र कितनी ठंड लग रुद्र को कितनी ठंड लग रही बहुत ठंड लग रही है बोल दे ना। गुरु हाय, कैसी ठंड हो रही है बता दे। बहुत ज्यादा, मेरे हाथ देखना कैसे लाल हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, तेरे भी लाल से हो रहे। हेलो कर दे। अच्छा, के धोए हुए कपड़े जो मुझे अभी फोल्ड करने हैं थोड़े से मैंने कर लिए हैं, तो चलिए फिर हम मिलते हैं सीधा फोल्ड करने के बाद। देखिए पूरे फोल्ड कर दिए हैं कपड़े और 15 से 20 मिनट लगे कपड़े फोल्ड करने में। और बाहर का मौसम देखो कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। यहाँ देखो ये वाला एरिया में, और ये काम हो चुका है डन। ऐश दिखाती हूँ, ऐश। ये देखो ऐश, सुबह सुबह उठ के इसने खाना है ब्रेड पकोड़ा। गुड मॉर्निंग आरू, और क्या देख रहा है आरू? एलिफेंट। कैसे हो आप? तो पकोड़े खा रहा है और अपना। तो ये है ऐश, ये शर्मा गया। और बाहर अभी भी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। टाइम हो रहा है 9:30 का और मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। और जो सूरज है ना वो देखिए बादल के पीछे, वो बादल के पीछे छुपा हुआ है। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है जैसे कि देख रहे हैं आप। तो मैंने सोचा कि अगर हल्की सी धूप आएगी तो छत में कपड़े सुखाऊंगी, बट मुझे नहीं लगता है धूप आएगी, तो थोड़ी देर बाद छत में कपड़े सुखाने पड़ेंगे। और शीत की वजह से ना, ठंड की वजह से पौधे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो देखिए एक छोटा सा फूल है जो आ रखा है, दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए ये है एक फूल जो अभी अभी खिल रहा है और दूसरा ये वाला है जो खिलने वाला है। तो बस यही हो रहा है यहाँ का मौसम। मॉर्निंग दोस्तों, सुपर गैनी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, देखते हैं बाहर का। और सुबह से सिर्फ थोड़ी सी धूप आ रही है और फिर जा रही है। तो टाइम हो चुका है 11:30 का और मैं नहा धो के थोड़ी सी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है बैंक तक। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस आई थिंक 5-10-15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। और अकेले जा रही हूं, मम्मी और घर पे ही हैं आरू के साथ और डैडी भी ड्यूटी से अभी आए हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और यहां पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ देखिए ये कुछ छुपा छुप में मिलता है, ये है पांडा, पांडा है ये। और उसके कैरेक्टर हैं जो कि आरव ने अपनी अलमारी में लगाए हुए हैं। तो बस यही सब चल रहा है, आरव गया है स्कूल जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया। तो चलिए फिर चलते हैं मेरे साथ बैंक तक। 5 minutes later वो अब मैं जा रही हूँ हाँ बैंक तक और फटाफट से आऊँगी क्योंकि ये आरू ने मुझे देख लिया था जा निकलते हुए, वो रोने भी लग गया था।
पर थोड़ा सा ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ बैंक तक। तो चलिए फिर चलते हैं बैंक और फिर मिलती हूँ मैं आपके थोड़ी देर में। हमारे यहाँ का बैंक ये हूँ फटाफट से, और मुझे 1 आवर लग गया क्योंकि बैंक में थोड़ी भीड़ थी और एंट्री के लिए मेरे पास 3 कॉपियाँ थी इसलिए। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, और इतना ठंडा हो रहा है और हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना। और रास्ते में मुझे मंकी भी मिले, वो एक से दूसरे पेड़ में जंप कर रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैं फटाफट से भाग के आ गई, क्योंकि मुझे मंकी से सच में बहुत डर लगता है। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मंकी बंदर जो था वो मेरे पीछे पड़ गया था और उसने मेरे पूरे फेस में कट मार दिया था, मतलब नाखून मार दिए थे, तो मुझे सच में बहुत डर लगता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। तो देखिए हर जगह ग्रीन ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू। और वो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा धुंध हो रही है, कितनी ठंड है। और ये डॉगी पूरा मेरे साथ बैंक तक गया और मेरे साथ ही बैंक से आया। कोई कोई स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये देखिए यहाँ का व्यू। तो ये बनाई है मैंने उड़द और चने की दाल गर्मा गर्म, बस इसमें घी डालना बाकी है और सब कुछ डाल दिया। और यहाँ पे कर दिए हैं चावल को गर्मा गर्म, देखो आराम से। क्या बनाया? बासु। अरे यार उसका पति पोत क्या बेटा, वो पोष है। देखो 4 बज गए हैं और मौसम वैसा का वैसे ही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है और मेरे हाथ हो रहे हैं बिल्कुल लाल। एवरीवन, तो बज चुके हैं 4 और मौसम आप लोग देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। और मैंने कपड़े अभी उठाए हैं, आरव सो गया है, आरव स्कूल से आने के बाद चला गया है ट्यूशन। और मौसम ठंडा हो रहा है तो आरव को मैंने अच्छे से पैक करके भेजा है ट्यूशन, और मैं यहीं पे हूँ बैठ रही हूँ आराम से। अब जाती हूँ नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इस तरीके से हवा चल रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे, आप थोड़ी देर बाद चाय चुई पियेंगे और फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। A few moments later. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो मैं मिल रही हूँ अब सीधा इवनिंग टाइम में आपको। बाहर हो गया है अंधेरा सा और ठंड सी हो रही है, और अब मैं बना रही हूँ खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की, और आरव की मॉर्निंग की भी मैं रात को ही साथ साथ तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे आटा गूंदना, सब्जी कट करना। तो सुबह उठती हूँ तो जल्दी हो जाता है थोड़ा बहुत काम। तो चलिए फिर वीडियो का कर देती हूँ यहीं पे एंड। आप सभी को आज का जो ब्लॉग है, मेरी छोटी सी जो डेली रूटीन की वीडियो है, वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर ऑल, जय हिंद जय भारत, बाय।